हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। चलिए आज हम कुछ स्प्राउट ही बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मूंग ली है, उसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया और सुबह देखिए एक ही दिन के अंदर ही इससे इसमें अंकुरित हो गए हैं ये। इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक कटोरी को भर के अलग साइड में निकालेंगे क्योंकि हम दो तरह के स्प्राउट्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बाहर निकाल लिया, बाकी के बचे हुए को मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने डाला है हरे मिर्च, थोड़ी सी जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे उसको डाल दिया है। हम इसको थोड़ा पकाएंगे और उसके बाद में अभी इसके अंदर डालेंगे आधी से छोट कम चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद में हम डालेंगे थोड़ी सी आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधी चम्मच धनिया पाउडर। इसको हम थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद में जो स्प्राउट्स हमने रख रखे थे मूँग भीगे हुए उसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद में इसको ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी रेसिपी को हम 2 तरीके से बनाएंगे, तो आप मेरे चैनल को पूरा देखें, वीडियोस को पूरा देखें। ये देखिए ये बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। मैंने ये प्लेट में इसको सर्व कर लिया है। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा मैंने इसमें क्या किया है, जो चीज़ थी उसको मैंने इस रेसिपी पे ग्रेट कर दिया है। ये देखिए एक चीज़ क्यूब वाली चीज़ लिया, आप इसमें कोई सी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेट करने से थोड़ा सा अच्छे से ये क्या है गरम गरम है तो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने एक पनीर का पीस लिया है, उसको भी मैंने इस तरह से इसको ग्रेट कर दिया है। आपको जिस तरह से पसंद आए आप उस तरह से इसे करके इसी पीसेस में भी काट के डाल सकते हैं पनीर को। मैंने इसको ग्रेट कर दिया है और इसके बाद में मैंने ऊपर से इसके अंदर थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं और उसके बाद में बारीक नमकीन जो हम चाट में यूज़ करते हैं उसका डाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के डाले। तो ये रेडी हो चुका है हमारा एक चाट। उसके साथ ही हम दूसरा भी रेडी करते हैं। तो मैंने जो एक कटोरी में अलग से रखा था उसको मैंने इस बॉयल में निकाल लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, एक प्याज का यूज़ किया है, एक टमाटर का यूज़ किया है और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई उसको भी मैंने डाल दिया है। पनीर के पीसेस मैंने इसके अंदर कट करके डाल दिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हमने इसके अंदर नींबू, 1/2 नींबू निचो के रख दिया है। दोनों ही प्लेट्स के अंदर नींबू को हमने इस तरह से निचो दिया है ताकि इसके अंदर नींबू का भी टेस्ट आए, चाट का टेस्ट आए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये रेडी हो चुकी है। चलिए हम इसे भी प्लेट में सर्व करते हैं। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी बताएं और इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी है।